और हाँ हाँ बस बढ़िया हाँ हम भी नए नए काम कर रहे थे नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देश भर में लॉकडाउन, अस्पताल, ऑक्सीजन के लिए मची भागम भाग के बीच रतलाम में गत दिवस एक अनूठा विवाह देखने को मिला। जवाहर नगर स्थित नूरी हॉल में पॉजिटिव दूल्हे ने निगेटिव दुल्हन संग पीपीई किट पहनकर अग्नि के साथ फेरे लिए। दरअसल परशुराम विहार निवासी युवक की महेश नगर निवासी युवती से सोमवार को शादी होनी थी। परिवार ने इसकी जिला प्रशासन से अनुमति भी ले ली थी, लेकिन 19 अप्रैल को दूल्हा कोरोना पॉजिटिव हो गया। बावजूद इसके शादी हो रही थी, इसकी सूचना किसी ने प्रशासन को दे दी। तभी नायब तहसीलदार नवीन गर्ग तुरंत अमला लेकर शादी रुकवाने पहुंच गए। परिजन ने बताया कि परिवार के एक बुजुर्ग जो कि दिल के मरीज है, उनकी स्थिति गंभीर है, शादी कराना जरूरी है। लंबी जद्दोजहद के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो अधिकारियों ने दूल्हा दुल्हन और पूरे परिवार को पीपीई किट पहना कर शादी की रस्में करवाईं। हालांकि विवाह में वर वधु पक्ष के सिर्फ 8 लोग शामिल थे। हाँ हाँ बस बढ़िया हाँ हम भी नए नए काम कर रहे थे ओम अरे वरण देव इज्जा हम देव।
और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।